नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री में, उसमें दोस्तों 36 नए मंत्री बनाए गए और 7 मंत्रियों का दोस्तों या तो उनका विभाग बदला गया या फिर उनको प्रमोशन मिला है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बता दूँ, लगभग 12 से 13 मंत्री ऐसे हैं जिनका जो है इस्तीफा हुआ है। और दोस्तों, जिनमें 4 तो इतने बड़े दिग्गज मंत्री थे जो हर समय जो है चर्चा में रहते थे। पहले दोस्तों मैं आपको उनके विभाग बता दूं और वो चर्चा में क्यों रहते थे, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और फिर उनके नाम बताएंगे। दोस्तों, ये 4 विभाग के मंत्री हैं जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। तो दोस्तों, ये 4 डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं वैसे भी, और इनके जो मंत्री हैं इन्होंने इस्तीफा दिया है और इनकी जगह दोस्तों कल जो है नए मंत्री बने हैं। तो दोस्तों, एक तो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोस्तों कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी चर्चा में रहे थे और दोस्तों इनका काम ही था, क्योंकि जो कोरोना थी, स्वास्थ्य समस्या थी और उस टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री तो चर्चा में रहते ही हैं। दूसरे हैं दोस्तों शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया जी, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। और तीसरे हैं दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी, ये पर्यावरण मंत्री थे और काफ़ी दोस्तों फेमस मिनिस्टर थे ये। और नेक्स्ट हैं दोस्तों रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी दोस्तों कानून मंत्री थे और ये दोस्तों चर्चा में आए थे, आपको मालूम है जो ट्विटर वाला जो मामला हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए। तो वैसे भी ये 4 मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो न्यू कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें, जो न्यू मंत्रालय विस्तार हुआ है उसमें 15 तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं और 28 दोस्तों राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 मंत्री हैं काफ़ी दिग्गज माने जाते थे, जिसमें मैं आपको फिर से नाम बता दूं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। रमेश पोखरिया जी, इनके पास शिक्षा मंत्रालय था। रविशंकर प्रसाद जी, इनके पास कानून मंत्रालय था। प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके पास दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय था। इन 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। हालांकि दोस्तों, इनके अलावा 8-9 मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी चर्चित चेहरे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।